अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML URL एनकोडिंग। एक यूनिक रिसोर्स लोकेटर है URL, जिसका फुल फॉर्म है, और सिंपली जो है वो एड्रेस होता है वेबसाइट का, जो एक्सेस कर रहा होता है वेबसाइट कंटेंट को। इसमें जो है वो सर्टेन कैरेक्टर्स जो है वो लो होते हैं, जिसको हम यूज किए जाते हैं URL लिंक में, लाइक अल्फाबेट्स है A to Z कैपिटल एंड स्मॉलेस्ट लेटर्स में, नंबर्स होते हैं 0 to 9 एंड फ्यू स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। इसको हम यूज करते हैं जब हम जो है वो करेक्टर्स हैं और लिस्ट जो है हमने क्रिएट की होती है, और एनकोडिंग के जरिए हम जो है इसको क्रिएट कर रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं। URL एनकोडिंग जो है एक प्रोसेस होता है, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं URL लिंक को वैलिड फॉर्मेट में और एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वेब ब्राउजर पर। URL एनकोडिंग जो है वो रिप्लेस कर रहे होते हैं हम करेक्टर्स को, और हम जो है वो इसको साइन की फॉर्म में या हेक्साडेसिमल डिजिट्स की फॉर्म में अलाउ नहीं करते, और इसमें जो है वो 2 हेक्साडेसिमल वैल्यूज रिप्रेजेंट की जा रही होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज में, जिसकी करेक्टर्स जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं ASCII करेक्टर सेट जो है वो होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी है कि जो है वो URL में नॉट एक्सेप्टेबल स्पेस होती है, और इसमें जो है वो 20% रिप्लेस किए जाते हैं, और एस प्लस साइन जो है उसको एनकोडिंग की जाती है। सिमिलरली ए डॉलर साइन इज रिप्लेस्ड बाय 24% डिवर्स। अब करेक्टर्स की बात करूं, इसमें जो है वो सर्टेन करेक्टर्स होते हैं स्पेशल मीनिंग URL में, जिसको हम यूज करते हैं, काफी सारे तरीके हैं। एग्जांपल यहाँ पे दी है कि एल करेक्टर जो है वो रिक्वेस्ट करेक्टर है, और इसका मतलब ये है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, डिलिमिटर को सेपरेट कर सकते हैं URL के पाथ को, तो इस तरीके से आप जो है इसकी एनकोडिंग कर सकते हैं 2F में। यहाँ पे जो है उन्होंने बताया गया URL एनकोडिंग किस तरीके से आप जो है मैनेज कर सकते हैं। ये जो है वो एक लिस्ट क्रिएट की गई है करेक्टर एनकोडिंग फॉर्म की, परसेंटेज या परसेंट फॉर्म यहाँ पे देखें 21, 28, 27, 29 ये उन्होंने यहाँ पे ड्रा की। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ये थिएटर दे साइन वगैरह देखें। इसके बाद बात करते हैं सेव करेक्टर्स की। तो अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स हैं वो जिस तरह 0 to 9, A to Z या कैपिटल एंड स्मॉलेस्ट लेटर, या फिर स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जिस तरह डॉलर साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और रिवर्स करेक्टर्स जिसको हम यूज करते हैं रिवर्स पर्पस के लिए, और इस करेक्टर्स में जो है वो हमें एनकोडेड की जरूरत नहीं होती। ASCII कंट्रोल करेक्टर्स, और जिसमें जो है वो इंक्लूड होते हैं आपके करेक्टर्स, उसकी रेंजिंग होती है आपकी 0 से 1F तक, जिसमें हेक्साडेसिमल है 0 से 31 डेसिमल एंड 7F में जो है 127 डेसिमल होते हैं, और इसमें जो है वो कुछ करेक्टर्स जो है उसकी एनकोडिंग होती है। नॉन ASCII कंट्रोल करेक्टर्स, इसमें जो है वो इंक्लूड होते हैं 80FF इन हेक्साडेसिमल, 128 to 255 डेसिमल, इनमें भी जो है वो एनकोडिंग की जरूरत होती है करेक्टर्स में। रिवर्स करेक्टर्स, इन करेक्टर्स में जो है वो स्पेशल पर्पस होता है कि आप जो है वो रिक्वायरमेंट्स के हैं एनकोडिंग की। अनसेफ करेक्टर्स, इन करेक्टर्स में जो है वो मिसअंडरस्टूड कर रहे होते हैं अपने URL लिंक को, काफी सारी रीजन होती हैं और रिक्वायरमेंट होती है एनकोडिंग की। इसमें जो है वो करेक्टर्स आप लगा रहे होते हैं और टैग्स यूज कर रहे होते हैं, ये अनसेफ होता है, इसको आप यूज कर रहे होते हैं डिलिमिटर्स के लिए और फ्री टेक्स्ट के लिए, कोटेशन मार्क के लिए, ये अनसेफ जो है वो चीजें होती हैं जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। इसकी ये है वो यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो यहाँ पे ड्रा की गई है करेक्टर एंड कोडिंग फॉर्म, यहाँ पे देखिए 20%, 23C, यहाँ पे स्पेस यहाँ बताया गया। अ लिस्ट ऑफ कम्प्लीट URL एनकोडिंग करेक्टर्स इज गिवन बिलो। कम्प्लीट लिस्ट जो है वो यहाँ पे ड्रा की गई है, जिससे हम ब्लैक स्पेस टैब है, उसके बाद लाइन क्रिएट है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सारी जो है उन्होंने ड्रा की गई है, PQRST यहाँ पे करेक्टर्स देखे हैं, उसके बाद जो है वो स्मॉलेस्ट करेक्टर्स देखे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, यहाँ पे जो है वो साइन नोटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उन्होंने यहाँ पे ड्रा की गई। उसके बाद अपर केस लेटर्स में देखे, रोमन लेटर्स में देखे, न्यूमेरिकल लेटर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।